बच्चों कक्षा ए पहली कक्षा के लिए आज हम पाठ 4 शब्द देख रहे हैं भाग 2। पहली कक्षा का विषय हिंदी और पाठ 4 शब्द भाग 2। भाग 1 में हमने क्या देखा था कि शब्द की व्याख्या देखी थी। क्या थी कि कोई भी दो वर्णों को मिलाकर एक तीसरा नया शब्द बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, शब्द दो वर्णों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है जो अर्थपूर्ण होता है, उसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे कि यह, वह, घर, चक, पख, दर, चल, मत, तट, इस तरह से कई सारे दो वर्ण वाले मतलब दो व्यंजनों को मिलाकर जो भी शब्द बनाए वो दो वर्ण वाले शब्द हमने देखे। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें सीखना है तीन वर्ण वाले शब्द या तीन व्यंजनों को अलग अलग व्यंजनों को हम ऐड करके एडिशन करके जो तीन वर्ण वाले शब्द बनाने वाले हैं वह सीखने वाले। इसकी व्याख्या सिंपल है कि कोई भी तीन अलग अलग वर्णों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसका कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तीन वर्ण वाले शब्द। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द क्या है, पलक। इसमें तीन ऑप्शन है, प ल क, मतलब तीन व्यंजनों का प्रयोग किया है, तीन वर्ण है। तो देखिए, प से पतंग प्लस ल से लड़का प्लस ल से कमल इज इक्वल टू प ल क। कैसे बना शब्द, प से पतंग प्लस ल से लड़का प्लस ल से कमल इज इक्वल टू पलक। पलक आंख की पलक, पलक एक नाम भी हो सकता है। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है रमण। रमण यह भी एक नाम है। देखिए शुरू कैसे किया, र से राखी प्लस एडिशन करना है, र से राखी प्लस म से मगर प्लस न से नल, तीनों को भी इकट्ठा कर दिया और शब्द लिखा रमण। शब्द क्या लिखा, रमण। तीसरा शब्द है हमारा बचत। वो कैसे बना, ब से वजन प्लस च से चरखा प्लस न से नल, तीन अलग अलग व्यंजनों को हमने साथ में इकट्ठा कर दिया, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। कोई भी विदाउट एनी अर्थ, हम कोई भी जिसका अर्थ नहीं निकलता ऐसे व्यक्तियों के शब्द नहीं बना सकते। शब्द ऐसा होना चाहिए जिसमें भले वर्ण दो हो, तीन हो या चार, समझ आ रहा है, व्यंजन भले दो हो, तीन हो या चार व्यंजनों का हमने प्रयोग किया और जो भी शब्द बना है उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो अब हमने कौन सा शब्द देखा था, वचन। वचन प्रॉमिस, व से वजन प्लस च से चरखा प्लस न से नल इज इक्वल टू वचन। वचन क्या है, वचन का मतलब है प्रॉमिस करना। देखिए चौथा शब्द है फसल। फसल तीन वर्ण वाला शब्द, फ से फल प्लस स से सरोता प्लस ल से लड़का, तीन वर्णों को इकट्ठा कर दिया फसल। फसल अनाज, खेत में से जो भी फसल निकलती है, गेहूं की हो फिर ज्वार की बाजरे की फसल, खेती में से जो अनाज उपज निकलता है उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। इसके बाद सरस। सरस मतलब अच्छा, स प्लस र प्लस स से सरोता प्लस स से राखी प्लस फिर से स से सरोता, तीनों को ऐड करने के बाद तीन अलग अलग व्यंजनों को एक साथ मिलाने के बाद शब्द कौन सा बना, सरस। सरस मतलब क्या है, अच्छा। इसके बाद देखिए बतख शब्द कैसे बना, ब से बगुला प्लस त से तलवार प्लस ख से खरगोश इक्वल टू बतख। बतख, ब से बगुला प्लस त से तलवार या तराजू प्लस ख से खरगोश बतख। तीन वर्ण वाले शब्द जिसमें तीन वर्ण हो, तीन अलग अलग व्यंजन हो जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे कई सारे अर्थपूर्ण शब्द आप भी बना सकते हो। इसके बाद देखिए ये शब्द है, म से मंजिला प्लस द से टमाटर प्लस द से राखी इज इक्वल टू मटर। म से मंजिला प्लस द से टमाटर प्लस द से राखी इज इक्वल टू मटर। ग, ग से गमला प्लस म से राखी प्लस म से मगर इज इक्वल टू गरम। स, स से सरोता। द, द से डमरू प्लस स से कमल इज इक्वल टू सड़क।
सड़क रास्ता, नहर पानी की नहर होती ना, न से नल प्लस ह से हर प्लस र से राखी, तीन अलग अलग व्यंजनों को हमने ऐड कर दिया, एक साथ इकट्ठा कर दिया तो शब्द क्या बना, नहर। अब शहर, श से शॉर्ट या शतुरमुर्ग प्लस ह से हर प्लस द से दवा, शहद। शहद मधुमक्खी जो इकट्ठा करती है उस शहद छत्ते में अपना, उसे क्या कहते हैं, शहद। शहद। अब ये हो गए तीन वर्ण वाले शब्द हमने देखे। फिर से एक बार तीन वर्ण वाले शब्द आपके सामने पढ़ती हूँ, देखिए। पहला शब्द ध्यान से, हर एक शब्द हम दो दो बार पढ़ेंगे। प से पतन, प से रंगा, प से कमर, इस वर्ण को पतन। से पतन, प्लस से लड़का, प्लस से कमर, इज इक्वल टू पलक। पलक। दूसरा शब्द, प्र से राखी, प्लस से मगर, प्लस से नर, इज इक्वल टू रमन। प्र से राखी, प्लस से मगर, प्लस से नर, इज इक्वल टू रमन। तीसरा शब्द, व से वजन, प्लस च से चक्का, प्लस से नर, इज इक्वल टू वचन। व से वजन, प्लस च से चक्का, प्लस से नर, इज इक्वल टू वचन। चौथा शब्द, प से फसल, प्लस से श्रोता, प्लस से लड़का, इज इक्वल टू फसल। फ से फल, प्लस से श्रोता, प्लस से लड़का, इज इक्वल टू फसल। सरस शब्द, स से श्रोता, र से राखी, स से श्रोता, इज इक्वल टू सरस। स से श्रोता, र से राखी, स से श्रोता, इज इक्वल टू सरस। ब से बगुला, त से तराजू, ख से खरगोश, इज इक्वल टू बतख। अब और भी शब्द है तीन वर्ण वाले। म से मंजीरा, ट से टमाटर, प्लस व से राखी, इज इक्वल टू मटर। मटर आपको पता है सब्जी है मटर। ग से गमला, प्लस व से राखी, प्लस म से मगर, इज इक्वल टू गरम। ग से गमला, प्लस व से राखी, प्लस म से मगर, इज इक्वल टू गरम। स से सरोता, प्लस ड से डमरू, प्लस व से कमर, इज इक्वल टू सड़क। स से सरोता, प्लस ड से डमरू, प्लस व से कमर, इज इक्वल टू सड़क। न से नर, प्लस ह से हर, प्लस र से राखी, क्या बना शब्द, नहर। न से नर, प्लस ह से हर, प्लस र से राखी, इज इक्वल टू नहर। आगे का शब्द, स से शतुरमुर्ग, प्लस ह से हर, प्लस द से दवा, इज इक्वल टू शहर। देखिए शब्द का मतलब क्या है कि कोई भी दो वर्ण हो, कोई भी तीन वर्ण हो, या कोई भी चार वर्ण हो, या पांच वर्ण हो, कोई भी दो वर्ण हो, तीन वर्ण हो, चार वर्ण हो, या पांच वर्ण हो, जिन्हें हम मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, वह शब्द अर्थपूर्ण होना चाहिए, बेतुका नहीं। जिसका अर्थ निकलता है वही शब्द कहलाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, हमने पिछले वीडियो में दो अक्षर वाले शब्द बनाए थे, दो वर्ण वाले, तो व्यंजनों को अलग अलग लेकर शब्द बनाए थे, जैसे कि य, व, चख, घर, रख, कह, जल, नल, फल, तट, कई सारे हमने दो अक्षर वाले शब्द देखे थे जिसका कोई अर्थ निकलता है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने तीन वर्ण वाले अक्षर देखे, तीन अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर शब्द बनाए हैं। तो शब्द की व्याख्या क्या होगी, कोई भी तीन अलग अलग वर्णों को या व्यंजनों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है और उसका कोई अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तीन वर्ण वाले शब्द, मतलब तीन व्यंजन वाले या तीन अक्षर वाले शब्द कह सकते हैं। अब ये हो गया तीन वर्ण वाले शब्द। अब हम देख रहे हैं कि चार वर्ण वाले शब्द, क्या देख रहे हैं, चार वर्ण वाले शब्द। इसमें चार वर्ण मतलब चार व्यंजन होंगे, जैसे कि प से पतन, प्लस न से नर, प्लस म से घर, प्लस ट से टमाटर। देखिए प से पतन, प्लस न से नर, प्लस घ से घर, प्लस ट से टमाटर, इज इक्वल टू पनघट। पनघट जहाँ पे पानी भरने के लिए जाती है, पनघट पानी भरने की जगह। प से पतन, प्लस न से नर, प्लस घ से घर, प्लस ट से टमाटर, क्या बना, पनघट। कुछ अर्थ निकलता है
शब्दों को क्या कहते हैं हम शब्द कहेंगे। दूसरा है नटवट शब्द, ये कैसे बना, न सिंधा बस ट से टमाटर बस ख से खरगोश बस ट से टमाटर नटवट, न सिंधा बस ट से टमाटर बस ख से खरगोश बस ट से टमाटर क्या बना शब्द नटवट। चौथा शब्द देखिए सरल बस, शब्द क्या है सरल बस, स से सरोता प्लस स से राखी प्लस स से कमल प्लस स से सरोता, स से सरोता प से राखी क से कमल स से सरोता सर का सर। छोटे छोटे बच्चे देखने के लिए जाते हैं कैसा है पशु पक्षी, उसमें अपनी करामत चतुराई दिखाते हैं, उसे क्या कहते हैं सर्कस कहते हैं। अब देखिए इसके बाद का शब्द क्या है थर्मस, थर्मस कैसे बना, थ थ से थर्मस प्लस ड से राखी प्लस म से मगर प्लस स से सरोता, चार अलग अलग व्यंजनों को एक साथ कर दिया बन गया शब्द थर्मस। थ से थर्मस प्लस ड से राखी प्लस म से मगर प्लस स से सरोता थर्मस। आगे का शब्द क्या है उपवन, उ ऊ से उल्लू प्लस म से उत्तम प्लस म से वजन प्लस म से नर, ऊ से उल्लू प्लस म से उत्तम प्लस म से वजन प्लस म से नर क्या शब्द बना उपवन, शब्द क्या बना उपवन मतलब बगीचा। बरगद, ब से बगुला प्लस ड से राखी प्लस ड से गमला प्लस द से दबा बरगद, बरगद का पेड़ देखा होगा बहुत बड़ा और विशाल होता है बरगद। ब से बगुला प्लस ड से राखी प्लस ड से गमला प्लस ड से दबा बरगद। सारे शब्द जो भी हमने बनाए वो महत्वपूर्ण है, अगर आगे का शब्द है हमने लिया झटपट, झटपट तो वो शब्द क्या हमने झ से झरना ल से टमाटर ट से पतंग प्लस ट से टमाटर झटपट। अच्छा कलम अ, अ से अनार च से चरखा क से अवलार ल से, तो आपको समझ में आया होगा कि कोई भी शब्द हो फिर वो दो वर्ण वाले शब्द हो तीन वर्ण वाले शब्द हो या चार वर्ण वाले शब्द, जब सारे अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर कोई नया शब्द बनाते हैं तो शब्द कैसा होना चाहिए शब्द होना चाहिए अर्थपूर्ण। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने तीन वर्ण वाले शब्द और चार वर्ण वाले शब्द देखे। एक बार फिर से आपके सामने पढ़ती हूँ, तीन वर्ण वाले शब्द प से पतंग प्लस ल से लड़का प्लस प से कमल इज इक्वल टू प ल क, प से पतंग प्लस ल से लड़का प्लस प से कमल इज इक्वल टू प ल क, र से राखी प्लस म से मगर प्लस न से नर इज इक्वल टू र म न, र से राखी म से मगर प्लस न से नर इज इक्वल टू र म न, व से वजन प्लस छ से चरखा प्लस म से नर इज इक्वल टू व छ, व से वजन प्लस छ से चरखा प्लस म से नर इज इक्वल टू व छ। पसा शब्द, प से फल प्लस स से सरोता प्लस ल से लड़का इज इक्वल टू फस, प से फल स से सरोता ल से लड़का इज इक्वल टू फस, सस स से सरोता प्लस स से राखी प्लस स से सरोता इज इक्वल टू सरस। बतख शब्द, ब से बगुला प्लस क से तराजू प्लस क से खरगोश इज इक्वल टू बतख। सारे शब्द कैसे है अर्थपूर्ण है। म से मगर प्लस ट से टमाटर प्लस ट इज इक्वल टू मटर, ग से गमला प्लस ल से राखी प्लस म से मगर इज इक्वल टू गर, स से सरोता प्लस ड से डबरू प्लस ग से कमल इज इक्वल टू सड़क, न से हर प्लस ह से हर प्लस र से राखी इज इक्वल टू न हमर, शहर श से शत्रु प्लस ह से हर प्लस ग से दवा इज इक्वल टू शहर। अब चार वर्ण वाले शब्द, प से पतंग प्लस न से नर घ से घर प्लस ट से टमाटर घर न घट, न से नर प्लस ट से टमाटर प्लस घ से खरगोश प्लस ट से टमाटर नट खट नट खट चंचल सर्कस, स से सरोता प्लस र से राखी प्लस ट से कमल प्लस स से सरोता सर्कस। थर्मस, थ से थर्मस प्लस र से राखी प्लस म से मगर प्लस स से सरोता थर्मस। उपवन, उ से उल्लू प्लस म से पतंग प्लस म से वजन प्लस न से नर उपवन। बरगद, ब से बगुला प्लस ल से राखी प्लस ग से गमला प्लस ग से दबा बरगद। झटपट शब्द, झ से झरना प्लस ट से टमाटर प्लस म से पतंग ट से टमाटर झटपट। इस तरह से शब्द की व्याख्या याद थी कि वर्ण चाहे कितने भी हो, दो वर्ण हो तीन वर्ण हो या चार वर्ण, उनको मिलाकर जब हम नया शब्द बनाते उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए।
वेतु का शब्द नहीं होना चाहिए, शब्द का अर्थ हो तो वही शब्द कहलाएगा। अब आपको कई सारे उदाहरण और वर्णों को मिलाना, आज हमने दो वर्ण वाले, तीन वर्ण वाले, चार वर्ण वाले अक्षरों को देख लिया है। आप भी घर पर आपको क्या करें, आज जो हमने पढ़ाया उसको अलग अलग आप भी व्यंजन मिलाइए और कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक जो तीन वर्ण वाले शब्द होते हैं वो दो दो बार लिखिए, इसके बाद चार वर्ण वाले जो शब्द सिखाए वो भी दो दो बार लिखिए और पढ़िए। इससे आपका सराव हो जाएगा, शब्दों को पढ़ना सीखेंगे तो वाक्यों को धीरे धीरे पढ़ना सीखेंगे। तो आज का पाठ चार भाग दो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करते हो कि आप अच्छे से इसका सराव घर पर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।